शंकर सिंह के परिवार पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत बीएसपी के कई नेताओं के आपत्तिजनक बयान ने मायावती की पार्टी में ही विद्रोह पैदा कर दिया है। बीएसपी के लखीमपुर से विधायक रोमी साहनी और हरदोई के विधायक ब्रजेश वर्मा दयाशंकर सिंह के परिवार पर हुई टिप्पणियों से क्षुब्ध हैं। दयाशंकर की टिप्पणी की सजा उनकी 12 वर्ष की मासूम बच्ची पत्नी मां को दी गई या बेहद ही इस प्रदेश एवं देश के लिए शर्मनाक घटना थी। इस संकट की घड़ी में हम दोनों विधायक पूरी संवेदना उस परिवार के साथ रखते हैं। 20 जुलाई को मायावती पर अपने आपत्तिजनक शब्दों के लिए दयाशंकर सिंह ने माफी मांगी थी। पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने जैसी कठोर कार्रवाई की। बावजूद इसके बीएसपी ने अपने विरोध प्रदर्शन में दयाशंकर के परिवार पर बदजुबानी की बौछार कर दी। मायावती पर करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांटने के जिस आरोप के सिलसिले में अपने लहजे को लेकर दयाशंकर घिरे, उसी आरोप पर अब रोमी और ब्रजेश भी मोहर लगा रहे हैं। कारण ये है कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए और मैंने असमर्थता प्रकट की, उसी कारण हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ब्रजेश भाई से 4 करोड़ मांगे गए, मुझसे 5 करोड़ मांगे गए, इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरीके का माहौल बहुजन समाज पार्टी में बना हुआ है, वो हम लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज कहीं की किसी फ्रंट पे कहना चाहते थे, इसलिए आप लोगों को बुला के हम लोगों ने प्रेस वार्ता की। जो हम लोगों के साथ में बर्ताव किया गया, उसकी चर्चा हम लोग समाज तक पहुँचाना चाहते। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य और आर के चौधरी के साथ बीएसपी नेताओं के निकलने का जो दौर शुरू हुआ, वो दयाशंकर प्रकरण के बाद अब और आगे बढ़ता दिख रहा है। टिकट की खरीद फरोख्त के मामले में बीएसपी की बदनामी लगातार बढ़ती जा रही है। महिला सम्मान की बात करने वाली मायावती खुद सवालों के घेरे में आ गई है। मायावती ये तमाम मुसीबतें यूपी विधानसभा चुनावों के एन पहले मोल ले रही है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।